आप सभी ने लास्ट पार्ट में देखा कि अपना जो दोस्त था वैसिली, हमने उसकी मदद की। उसे शायद से 3 या 4 वर्कर्स की ज़रूरत थी और हम गए और शहर के कोने कोने से हमने वर्कर्स कलेक्ट किए और उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर छोड़ा। अब वो सारे के सारे वर्कर्स, मतलब जितने भी थे, अब वो वर्किंग पर लग चुके हैं। ये देखो, ये रही अपनी बिल्डिंग जिसका भी बांध काम चालू है, आप देख सकते हो गाइस। और आपने अभी तक यहाँ तक देखा, हमने वैसिली के ऐसा देखा जाए तो 2 बार हेल्प की। तो मैं काम करता हूँ, चलो अभी हमें जाना है वापस से वैसली के तरफ, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा मिशन चालू करना है तो हमें उसी के पास जाना होगा। ये देखो, आप मैप के ऊपर देख सकते हो, ये रहा अपना बंदा वैसली, वी मतलब वैसली और ई मतलब पता नहीं कौन है, ईगोर होगा शायद से वो। तो फिलहाल हम जाएंगे वैसली की ओर ताकि हम अगला मिशन शुरू कर सके। मैं ना पहले तो टिक मार्क कर लेता हूँ यार, बार बार मैं भूल जाता हूँ कि रूट कौन सा है। चलो, तो हमें वैसली की ओर जाना है ना, तो मैं कैमरे के पास, ये कैमरा एंगल काफ़ी अच्छा है ऐसा देखा जाए तो। तो हमारी न्यू जर्नी शुरू हो रही है वापस से और मैं कंटिन्यू कोशिश कर रहा हूँ कि ऑनलाइन मतलब वापस से रेगुलरली वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, अब मैं बना भी रहा हूँ, हर 1-2 दिन के बाद में मेरी एक वीडियो आ रही है, नहीं तो हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 बार आती थी मेरी वीडियो। तो अभी हमें वापस से जाना है जुकोव विलेज के अंदर, तो समवेयर नियर बाय इसका पार्ट ऑफ द क्या है भाई, वो यूएस का पार्ट था शायद से, ऐसा ही कुछ मैंने अभी जो पढ़ा। 7 किलोमीटर दूर जाना है भाई। ये बात तो सच है कि मैप है जो है गेम के अंदर, ये काफ़ी लंबा मैप है। मेरे को पता नहीं था कि सच में इतना बड़ा मैप होगा, पर जब मैंने गेम खेलनी असल में शुरू किया तब मेरे को पता चला कि हाँ मैप है भाई, काफ़ी बड़ा है। तो हमें किधर से जाना है, हाँ सीधा जाना है अभी फ़िलहाल। तो लगा तो मैं इतना पार्ट स्किप कर देता हूँ, आपको सीधा वैसिली के घर पर मिलता हूँ मैं। A few moments later. ओके, तो फ्रेंड्स हम जुबो विलेज के अंदर आ चुके हैं और शायद से इधर एक बंदे को टैक्सी भी चाहिए, शायद से बंदी हो। हम फिलहाल तो उसे टैक्सी देंगे नहीं क्योंकि अभी हम अपने मिशन के लिए आए हैं विलेज के अंदर। चलो इधर से मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ, बस इधर से कुछ। अब हमें जाना है वैसिली की ओर, तो ये रहा वैसिली, उसका घर। ठीक है, बस 1 मिनट, इधर अपनी कार में खड़ी कर देता हूँ और इधर से उतर जाता हूँ। अरे शायद से किसी का तो भी SMS आया, 1 मिनट। SMS में क्या है, यू हैव बीन क्या इशूड फॉर फाइन 2500। अच्छा, तो वो मैंने स्पीड में ड्राइव किया ना, उसलिए मेरे को फाइन लगा होगा, जाने दो, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट मिशन करेंगे हम। तो मिशन में क्या है, फाइंड वैसली इन द स्पेसिफाइड लोकेशन। ओके, तो चलो हमें मिल चुका है, मिशन क्या है अपना, टारगेट क्या है, तो हमें वैसली को ढूंढना होगा और वो भी एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। तो भाई ने अब इस बार कौन सी गड़बड़ की होगी, क्या पता, हॉट वीकेंड भाई छुट्टी बनाता होगा काम छोड़कर। आवाज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ यार मैं तो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होगा भाई, अपना छुट्टी पर गया होगा। तो मैं राइट हो जाऊँ और बाद में लेफ्ट हो जाऊँ, फिर लेक आ जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ से वो दूरी है ऐसा देखा जाए तो। पहले तो मैं राइट की ओर हो जाता हूँ, इधर से हम लेक के तरफ चले जाएंगे, बस इधर से ही कुछ। सही सही जा रहा हूँ ना मैं, एक बार देख लूँ। हाँ एकदम बिल्कुल सही हूँ। अरे यार, और इन्होंने रोड के ऊपर इतना सब ये क्यों रखा है, मतलब इतना कूड़ा वगैरह ये वो। अब हमें जाना होगा लेफ्ट की ओर। बस अरे यार, कांच के ऊपर है ना काफी मिट्टी है, 1 मिनट में पानी डालकर पोंछ लेता हूँ। बस अब क्लियरली दिख रहा है ना सब कुछ, नहीं तो पहले से काफी धूल थी। मेरे को कैमरा एंगल है ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो उधर रहा वो बंदा, तो हमें अच्छा इधर से जाना है। बस क्या व्हाइट लेक या लेक, ये चलो मैं कार इधर अपनी पार्क कर देता हूँ, इंजन स्टॉप कर दूंगा क्योंकि अपना दोस्त शायद से छुट्टी या एंजॉय कर रहा है। भाई नाव देखो यार कितनी अच्छी है। ठीक है,
तो इधर कोई ये तो नहीं ना? नहीं, टॉक टू एसली। हाँ भाई हाँ, ठीक है। तो चलो अब इसके साथ हम टॉक करेंगे कि भाई क्या बोलना चाहता है। एसली, हेलो, आई सी यू हैवन फॉरगेट दिस प्लेस येट। डू यू रिमेंबर हाउ वी यूज टू कम हियर ऑल टाइम फॉर फिशिंग? नाउ एवरी थिंग हैज चेंज हियर एंड इट्स रियली हॉट टूडे। लेट्स हैव अ ड्रिंक टू अवर रीयूनियन। अच्छा, तो मतलब दो दोस्त बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, और शायद से ये जब बेस्ट फ्रेंड्स थे, एक ही विलेज में जब रहते थे, तब इधर शायद से काफ़ी बार आते थे, तो इनका ये वापस से रीयूनियन हो रहा है। तो अनदर टाइम आई एम ड्राइविंग। नहीं भाई, ऐसा बोला तो इसे गुस्सा आ जाएगा। तो लेट्स ड्रिंक टू द मीटिंग। ओके, तो चलो इसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे हम। वेल, इट्स टाइम टू हेड होम। व्हाट आर यू योर प्लान? विल यू गिव मी अ राइड होम? अब चलो भाई, अब दोनों ने मज़े भी कर लिए, बहुत दिनों के बाद उनका रीयूनियन भी हो गया, तो इसे हम घर भी छोड़ देता हूँ अपने। आई एम ऑन माई वे, सिट डाउन। हाँ चलो, आई टेक यू। ऊपर का ऑप्शन दिया मैंने, ठीक है। ओ थैंक यू, यू हैव सेव्ड मी, बिकॉज आई डोंट रियली वॉन्ट टू वॉक बैक होम। यू जस्ट हैव माई फिशिंग रॉड एंड कैन गो। गुड। तो भाई बोल रहा था कि ये जो प्लेस, अरे ये क्या हो रहा है मेरे को? अच्छा, तो ये ड्रिंक का इफेक्ट होगा शायद से, रियलिस्टिक सी बनाने के लिए गेम इन्होंने ये इफेक्ट डाला हुआ है। तो भाई बंदा फिशिंग कर रहा है इधर, और अपना वैसिली जो है, मतलब अपना बेस्ट फ्रेंड, वो कार में जाकर बैठ चुका होगा। तो चलो मैं कार के अंदर जाता हूँ और उसे घर छोड़ देता हूँ। भाई ऐसा लग रहा है कि ये नशे में ही बंदा। एक बार देखो तुम, सब ऐसा वेव फॉर्म में दिख रहा है मैं। अरे यार, इधर ये क्या हो रहा है? एक मिनट, अभी जब मैं आया था इधर कंस्ट्रक्शन नहीं चालू था, पर अब कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। तो हम यहाँ से नहीं जा सकते, तो हमें वो पिछला जो रोड है अपने बैक साइड का, उधर से पूरा घूम फिर कर जाना होगा, लॉन्ग कट मार कर। चलो फिर, लॉन्ग कट ही सही। इधर मैं कैमरा एंगल वापस से चेंज करवा लेता हूँ। तो हमें इधर से काफ़ी दूर होकर जाना है, लॉन्ग कट वाला रास्ता है। ये ड्रिंक का असर अभी भी गया नहीं शायद से, अभी भी ऐसा वेव फॉर्म में दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, चलो आगे रेलवे क्रॉसिंग है, थोड़ा धीरे से ले जाऊंगा कार। तो इधर आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, ऐसा एक ग्लास है, देखो। हाँ, तो वो शायद से वो जब ग्लास खत्म होगा तभी अपना ये ड्रिंक का असर उतरेगा। वो विलेज आ गया, उधर से हम करेंगे एंटर अपने विलेज के अंदर। क्या भाई, डू यू सी स्मोक ऑन द हॉरिजॉन? इज दैट फ्रॉम आवर विलेज? लेट्स हरी, दे प्रोबेबली नीड हेल्प। भाई इसने शायद से स्मोक देखी। लेट्स फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। ओ भाई, अरे हाँ, अब तो मुझे भी दिख रहा है आगे, धुआ धुआ। हाँ दिखा भाई, मुझे भी दिखा, शायद से आग लगी है विलेज के अंदर। ओ भाई, ये तो सीरियसली है। तो अपनी कार इधर में खड़ी कर देता हूँ। द फायर फाइटर से द वाटर इज रनिंग आउट एंड देयर आर प्रोबेबली गैस। ओ भाई, मतलब इधर इनका वाटर खत्म होते हैं आ चुका है, और हमें आग बुझानी होगी। अगर आग नहीं बुझाई तो इधर ब्लास्ट हो सकता है, जिससे कि पूरा विलेज खतरे में आ जाएगा। अपने पास इतना टाइम दिया हुआ है और हमें इतने इतने समय में लाना पड़ेगा वो पानी। हे गाइस, नो प्रॉब्लम, टेक माय बैरल, आई विल गेट इट आउट फॉर यू, हुक इट अप। ठीक है, पिक अप द बैरल। तो चलो, हमने बैरल ले लिया है शायद से, तो अब हमें पानी लाने जाना है। इमरजेंसी है, ठीक है, इमरजेंसी है ऐसा देखा जाए तो सच में। अरे यार, ये रास्ते भी ऐसे है ना। चलो चलो चलो, हमें अपने विलेज को बचाना है। अगर आग ज़्यादा लग गई तो उसके वजह से ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट की वजह से और आग होगी, और उसकी वजह से पूरा विलेज जल जाएगा। मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो ये आ गए हम लेफ्ट। भाई टाइमर भी, मतलब इतना तो भी अच्छी बात है कि टाइमर ऐसा जल्दी जल्दी नहीं खत्म हो रहा है, अपने पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है अभी भी।
ओ भाई, एक तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। चलो जल्दी से कैमरा एंगल वापस से मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ उधर जाना है ना हमें। जल्दी इधर अपनी कार को खड़ी कर देता हूँ मैं, बस ऐसा कुछ इधर। तो चलो हमने टंकी में पानी भरवा लिया है। मैं एक काम करता हूँ, अपनी जो गाड़ी है ना इसे चारों टायर्स के ऊपर चलवाता हूँ मैं, ताकि हमें और बूस्ट मिले और अपनी कार जल्दी जल्दी विलेज के अंदर वापस से जा सके। तो हमें स्पीड में जाना होगा, नहीं तो आग लग जाएगी। ठीक है, काफ़ी इंटेंस सा सीन है ये। अरे यार इस ट्रेन को भी अभी आना था। चलो चली गई भाई, मेरी कार स्पीड ही नहीं पकड़ रही है फुल पावर में होकर भी। ये रहे फायर फाइटर आग बुझाने में व्यस्त। ओके तो हम आ गए और ये बस इधर कार मैंने कर दी पार्क, तो आग बुझा। अच्छा तो हमें मिले वापस से 5 स्टार, जैसे कि हमें हर बार की तरह मिलते हैं। रिवॉर्ड फॉर द मिशन 27,000 हमें मिले और गेंड एक्सपीरियंस 35 और एक्सपीरियंस मिला। चलो काफ़ी अच्छी बात है। और हमें जो विलेज का चेयरमैन है, ठीक है, मतलब एक तरीके से तुम बोल सकते हो जो कि विलेज को हैंडल करता है, तो उसने हमें प्राइस दिया है एक छोटा सा। तो वो क्या है, एक मिनट, SMS में आया होगा शायद से। अरे नहीं यार ये तो कोई अलग ही मैसेज था। तो हाँ अब आया ना मेरे को ईमेल। लिसन इट्स स्टिल ग्रेट दैट यू आर बैक, कम इन एज सून एज यू हैव टाइम। चलेगा भाई, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तेरे तरफ वापस से आ जाऊँगा। अभी फ़िलहाल काफ़ी रात है, अभी 11 बज रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो चांद भी मस्त से आया हुआ है ऊपर, फुल मून है आज शायद से गेम के अंदर। तो बस यही था अपना आज का गेम प्ले वीडियो। तो आज हमने वैसली से अपना रीयूनियन भी हुआ दो दोस्तों का, जो कि काफ़ी बढ़िया बेस्ट फ्रेंड्स थे, और इन दोनों ने मिलकर विलेज को भी बचा लिया, जो कि काफ़ी भयानक आग लगी थी इसी घर में। देखो इधर आग लगी थी, ठीक है हमने बचा लिया है, नहीं तो एक पूरा विलेज जो जुको विलेज है ये पूरी तरह से तबाह हो जाता रात में से। तो बस दोनों बेस्ट फ्रेंड अच्छे हैं यार काफ़ी ऐसा देखा जाए तो। तो यही था दोस्तों अपना आज का गेम प्ले वीडियो। अगर आपको गेम प्ले वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।